नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सबसे आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं दौसा जिले की। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर के आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर नाबालिग मुद्दीर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर के बगड़ी कस्बे में शाम को आम आदमी पार्टी राजस्थान का प्रतिनिधि मंडल मिला। आम आदमी पार्टी से बच्ची की मां ने अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए बच्ची के पेट में दर्द होना बताया। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मौके पर मौजूद SDM गोपाल जांगिड़ व थाना अधिकारी भरत लाल मीणा से मेडिकल टीम मंगवाए जाने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मांग पर कार्रवाई करते हुए मेडिकल टीम को बुलवा करके बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री, आप नेशनल काउंसिल मेंबर कीर्ति पाठक, जयपुर शहर महिला अध्यक्ष चंद्रमुखी रापसवाल और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम अवतार जोरवाल ने परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों से घटना की जानकारी दी। प्रदेश सचिव ने कहा कि बच्ची के इलाज में सरकार को तत्परता दिखाते हुए जरूरत है कि साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वहीं कीर्ति पाठक ने कहा कि पीड़ित परिवार मजबूरी के साथ अपना पक्ष रखे ताकि उसको न्याय मिल सके। इसी दौरान चंद्रमुखी रापसवाल ने कहा कि आए दिन दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिला सुरक्षा प्रदेश का मुद्दा बनती हुई जा रही है। आम आदमी पार्टी के राम अवतार जोरवाल ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति पूर्वक कार्य करने व आर्थिक मदद किए जाने की मांग भी की। वहीं आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर भीम आदमी के द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के मंडावरी थाना क्षेत्र के एक गांव में मुखबिर नाबालिका से साथ दुष्कर्म का मामले में मंगलवार को भीम आर्मी के दर्जनों सदस्य वाहनों में भर पीड़ित के गांव पहुंचे। इस दौरान वे पीड़िता के घर पर मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस का दल पीड़िता को लेकर चिकित्सालय के लिए रवाना हो चुका था, जिसके बाद भीम आर्मी का दल लालसोट के सामुदायिक चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय भी पहुंच गया, लेकिन पीड़िता उन्हें वहां भी नहीं मिली। जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर SDM को एक ज्ञापन भी दिया। बाद में भीम आर्मी के अध्यक्ष अनिल दीनवाल ने बताया कि अगर पुलिस ने सभी आरोपियों को 15 अगस्त तक गिरफ्तार करते हुए पीड़िता के परिवार का पुनर्वास व उचित सरकारी सहायता नहीं दी तो जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं दौसा जिले के अंदर आम आदमी के द्वारा लगाई गई प्रतिमा पर पुलिस पहरा देते हुए परेशान होती हुई नजर आई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर आदिवासी दिवस की पूर्व रात्रि लगाई गई प्रतिमा पुलिस का सरदर्द बनती हुई नजर आई है। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्टेट हाईवे 24 डीडवाना से तुंगा सड़क मार्ग के किनारे स्थापित कर दिए जाने से उनकी सुरक्षा में पुलिस दिन और रात पहरा दे रही है। आपको साथ में यह भी बता दें कि प्रतिमाओं के पास गंदगी का अंबार लगा होने से जहां इंसान एक मिनट भी नहीं रुक सकता, वहां पुलिसकर्मी प्रतिमाओं की सुरक्षा में नारकीय जीवन जीने को मजबूर बने हुए हैं। साथ ही मंगलवार की रात्रि को रिमझिम बारिश में जब हमारे संवाददाता वहाँ पहुँचे तो 3 पुलिसकर्मी गंदगी के ढेर के पास 2 प्रतिमाओं की सुरक्षा करते हुए भी दिखाई दिए। जब हमारे संवाददाता ने देखा तो रिमझिम बारिश में मच्छरों का प्रहार प्रतिमाओं के प्रहरियों को डंक मारता हुआ भी दिखाई दिया। खुले आसमान के नीचे प्रतिमाओं की स्थापना पुलिसकर्मियों को खुले में ही रहने पर मजबूर कर रही थी। वही आसमान से टपकती बारिश की फुहारे प्रतिमाओं की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को भिगोने पर भी मजबूर करती हुई दिखाई दी। वहीं दूसरी तरफ गंदगी का आलम दुर्गंध छोड़ रहा था, ऐसे में शायद सुरक्षा के प्रहरी ईश्वर को याद कर रहे थे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।